हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकीज और टूल्स के बारे में हमने बात किया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकीज सेम वही है, 99% सेम है, 1% इधर उधर हो सकता है। तो आज हम शॉर्टकीज के बारे में ना बात करके हम बात करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कैल्क के बारे में। तो कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब उसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं जिन पर हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, जिन पर हम कोई भी डाटा एंट्री से संबंधित काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित काम कर सकते हैं। और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा लिब्रे ऑफिस जो है वो एक ओपन सोर्स सूट है। उसमें आपका राइटर भी आता है, कैल्क भी आता है, इम्प्रेस भी आता है। तो इसका एक्सटेंशन नेम है .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम .ods है। ods का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और इसका मिनिमम जूम साइज जो होता है, मिनिमम जूम 20% होता है, इससे कम आप जूम नहीं कर सकते हैं। और इसका मैक्सिमम जूम होता है 400%। अब इसमें ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका मैक्सिमम जूम 600 है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा कि अगर राइटर पूछा जाएगा तो आप 600 लिखेंगे और अगर कैल्क पूछा जाएगा तो आप 400 लिखेंगे। और इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम का जो होता है डिफ़ॉल्ट जूम साइज 100% ही होता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो डिफ़ॉल्ट जूम साइज होता है वो 100% ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट जो होती है 1 होती है। यानी कि आपको जब आप एक वर्कशीट खोलेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो उसमें आपको एक सिंगल सीट दिखाई देगी। आप उसको जो है शिफ्ट F11 से क्लिक करके या फिर मैनुअली आप क्लिक करके अलग अलग जो है आप ढेर सारी जो है सीट्स बना सकते हैं, लेकिन आपको एक ही दिखाई देगी। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स दिखाई देती हैं। अब बात हम करने वाले हैं कॉलम और रोज के बारे में, जो कि देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर हम डाटा एंट्री करते हैं, मतलब एक्सेल का एक पेज, कैल्क का एक पेज। तो वर्कशीट होती क्या है? वर्कशीट कॉलम और रो का समूह होता है। कॉलम और रो का समूह होता है। मतलब वर्कशीट इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रोज। अब हम बात करेंगे कि वर्कबुक क्या होती है। तो वर्कबुक जो होती है हमारी, वर्कबुक वर्कशीट्स का समूह होती है। वर्कशीट्स का समूह होती है। अब हमें जरूरत है यह जानने की कि कॉलम और रो क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे सेल्स ए लिखा रहता है, मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं सेल के वर्टिकल समूह को कॉलम कहते हैं। सेल्स के
वर्टिकल समूह को कॉलम कहते हैं। सेट ऑफ सेल्स सेट ऑफ वर्टिकल सेल्स कॉल्ड कॉलम, और कॉलम जो होता है वो हमेशा अल्फा में होता है, नंबर्स में नहीं होता। जैसे देखो ऊपर हमने लिखा है ए, ये कॉलम नंबर ए है। कॉलम हमेशा क्या होता है कि अल्फा में होता है। और अब देखिए आप रो, रो जो होती है रो हमेशा नंबर्स में होती है। और रो होती क्या है, तो रो जो होती है वो सेल्स के हॉरिजॉन्टल समूह को रो कहते हैं। सेल्स के हॉरिजॉन्टल समूह को रो कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स कॉल्ड रो। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम और कितनी रो होती है। तो देख लीजिए, कॉलम्स होते हैं और रो जो होती है वो 1,48,576 रो होती है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक्सेल किया है तो एक्सेल में जो होता है 16,384 कॉलम होते हैं, लेकिन जो कैल्क है कैल्क में 1,024 कॉलम्स ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो रो होती है वो एक्सेल में और कैल्क में सेम टू सेम होती है, मतलब कि जो है 1,48,576 रो कैल्क में भी होते हैं और एक्सेल में भी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।